हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जी के। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माही नदी। तो आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साल BCD, ऑप्शन बी साजा, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी खैर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बबूल। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी आर्किड, ऑप्शन डी गूलर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फर्न। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम में, ऑप्शन बी पांडिचेरी में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी केरल में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पांडिचेरी में। तो आज का हमारा है छठा क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू में, ऑप्शन बी कोलंबो में, ऑप्शन सी मदुरे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए काठमांडू में। तो आज का हमारा है सातवां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेपाल में। तो आज का हमारा है आठवां क्वेश्चन, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए माह, ऑप्शन बी 48 दिन, ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन डी 7 दिन। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 7 दिन। तो आज का हमारा है नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन बी विठोबा, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेख नूरुद्दीन। तो आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी यज्ञकर्ता, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन सी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। ये था हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा।
कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।